दोस्तों, अगर आपका एज 18 साल हो चुकी है और आप एक नए वोटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यानी आप अपने नाम को एक नए वोटर लिस्ट में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में एक नए वोटर कैसे अपने नाम को न्यू वोटर लिस्ट में रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, इसका कम्प्लीट प्रोसेस आज की इस वीडियो में हम आपको लाइव दिखाने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कम्प्लीट देखे और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक नए वोटर अपने नाम को वोटर लिस्ट में रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल से गूगल ब्राउजर को ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है वोटर सर्विस पोर्टल। तो सबसे पहले वाले जो लिंक आएगा आपको सिंपली उस लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इस पोर्टल पे आने के बाद सबसे पहले आपको साइन अप करना है, यानी रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे देखिए साइन अप का एक ऑप्शन, आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करके सबसे पहले आपको इस पोर्टल पे साइन अप कर लेना है, ठीक है। और जैसे ही आप साइन अप कर लोगे, साइन अप करने के बाद सिंपली यहाँ पे देखिए लॉग इन का एक ऑप्शन, आपको सिंपली लॉग इन के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। और लॉग इन के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आप अपने रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे आपको फिल करना है। और इसके बाद आपने जो पासवर्ड क्रिएट किए थे, यानी जो साइन अप करते टाइम जो पासवर्ड बनाए थे, वही पासवर्ड आपको यहाँ पे फिल करना है। पासवर्ड फिल करने के बाद सिंपली इस कैप्चा को यहाँ पे फिल करना है और रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करना है। जैसे ही आप रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे फिल करना है और इसके बाद सिंपली वेरीफाई एंड लॉगिन के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई एंड लॉगिन के ऑप्शन में क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर सक्सेसफुली लॉगिन हो जाओगे, यानी इस वोटर सर्विस पोर्टल पर सक्सेसफुली लॉगिन हो जाओगे। तो जैसे ही आप लॉगिन हो जाओगे, लॉगिन होने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शंस देखने को मिलेंगे फॉर्म 6 और इसके आगे लिखा हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर जनरल इलेक्टर्स और नीचे लिखा हुआ है अगर आप 18 साल के ऊपर है तो आप एक नए वोटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके नीचे यहाँ पे दिए गए हैं फिल फॉर्म 6, आपको सिंपली फिल फॉर्म 6 के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह एक फॉर्म खुल के आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टेट दिए गए हैं, यानी यहाँ से आप अपने स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ से हमारा जो स्टेट है उस स्टेट को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद आप अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपका जो भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेना है। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो नंबर है वो नंबर यहाँ से ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। इसके बाद आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद सिंपली आपको नेक्स्ट के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट ऑप्शन में क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स फिल करना है। तो फर्स्ट नेम एंड मिडिल नेम यहाँ पे आपको फिल कर देना है। फर्स्ट नेम फिल करने के बाद जैसे ही आप नीचे वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपका नाम आपके लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका सरनेम लिखेंगे, जो भी आपका सरनेम है उस सरनेम को यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद नीचे वाले बॉक्स में जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका जो सरनेम है वो आपके लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और नीचे आपको एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करना है और इसका साइज जो है वो 2 MB के नीचे होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपली चूज फाइल के ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका फोटो जिस फोल्डर में रखा हुआ है सिंपली उस फोल्डर को ओपन करना है और आप जिस फोटो को अपलोड करना चाहते हैं सिंपली उसको सिलेक्ट करके डन कर देना है। और इसके बाद यहाँ से इसको साइज सिलेक्ट करके सेव कर देना है। तो जैसे ही सेव करेंगे, सेव करने के बाद थोड़ा वेट करना है, ये फोटो यहाँ पे अपलोड होगा। अपलोड होने के बाद सिंपली नेक्स्ट वाला जो बटन है वो हाईलाइट हो जाएगा। तो आपको थोड़ा यहाँ पे वेट करना है, जब तक कि नेक्स्ट वाला बटन हाईलाइट नहीं होता है तब तक आपको वेट करना है। तो यहाँ पे देखिए ये फोटो अपलोड हो चुके हैं और नेक्स्ट वाला बटन जो है वो हाईलाइट हो चुके हैं। इसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट के ऑप्शन में क्लिक करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको रिलेटिव्स का नाम यहाँ से सिलेक्ट करना है और इसके बाद नीचे रिलेटिव्स का नाम यहाँ पे आपको फिल करना है। तो रिलेटिव्स के लिए यहाँ पे फादर, मदर, हस्बैंड, वाइफ दिए गए हैं, तो आप यहाँ से आपके हिसाब से चूज कर लेना है। तो मैं यहाँ से फादर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप अपने फादर नेम को यहाँ पे फिल करना है। तो फादर नेम को फिल करने के बाद सिंपली नीचे वाले बॉक्स पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप नीचे वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपका जो फादर नेम है वो ऑटोमेटिक आपके लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद आप सरनेम है उस सरनेम को यहाँ पे आपको फिल करना है, नीचे वाले बॉक्स पे क्लिक करना है तो ये लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट के ऑप्शन में क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे आपको देना है। तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स में यहाँ पे मोबाइल नंबर के ऑप्शन में यहाँ पे सेल्फ एंड रिलेटिव मेंशन अबव, दो ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। अगर आपका खुद का मोबाइल नंबर दे रहे हो तो आपको ऊपर वाले ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लेना है, या फिर अगर आप फैमिली का किसी का मोबाइल नंबर दे रहे हो तो आप नीचे वाले बॉक्स को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो हम हमारे मोबाइल दे रहे हैं तो इसके लिए सेल्फ को सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ पे आपका जो नंबर है उस नंबर को यहाँ पे आपको फिल कर देना है। और जैसे ही आप मोबाइल नंबर फिल कर देंगे, फिल करने के बाद सिंपली सेंड ओटीपी के ऑप्शन में क्लिक कर देना है।
जैसे आप सेंड ओटीपी के ऑप्शन में क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पे फिल करना है। तो हमारे मोबाइल पर ओटीपी आ चुके हैं, हम इसको यहाँ पे फिल करेंगे। ओटीपी फिल करने के बाद सिंपली वेरीफाई के ऑप्शन में क्लिक करना है, तो आपका ओटीपी जो है वो सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद नीचे आपको एक ईमेल आईडी देना है। अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो आपको सिंपली यहाँ पे सेल्फ के ऑप्शन में क्लिक करना है और नीचे आपका जो ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी को यहाँ पे फिल कर देना है। और अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो आपको सिंपली इसको छोड़ देना है इस तरह, और इसके बाद सिंपली नेक्स्ट के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको आधार डिटेल्स फिल करना है। तो इसके लिए सिंपली यहाँ पे क्या करना है, सिंपली आधार नंबर को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, और इसके बाद नीचे यहाँ पे आपका जो आधार नंबर है उस आधार नंबर को यहाँ पे फिल कर देना है। ठीक है, आधार नंबर फिल करने के बाद सिंपली नेक्स्ट के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट के ऑप्शन में क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको जेंडर को सिलेक्ट करना है। आप यहाँ से अपने हिसाब से जेंडर को सिलेक्ट कर लेना है, और इसके बाद सिंपली नेक्स्ट के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट के ऑप्शन में क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका बर्थ का डिटेल्स फिल करना है, यानी आपका जो बर्थ डेट है वो यहाँ से आपको फिल कर देना। तो बर्थ डेट को फिल करने के बाद नीचे आपको बर्थ डेट के लिए एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो इसके लिए सिंपली यहाँ पे डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शंस को क्लिक करेंगे, और इसके बाद नीचे आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स दिए गए। तो यहाँ से आप बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकते हैं, और 10th का जो सर्टिफिकेट है वो भी आप दे सकते हैं, और आप इंडियन पासपोर्ट भी दे सकते हैं। जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल है वही डॉक्यूमेंट यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो हम आधार कार्ड को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, और इसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड का एक कॉपी आपको अपलोड कर देना। तो इसके लिए यहाँ पे चूज फाइल के ऑप्शन में क्लिक करना है, और यहाँ से आपका आधार कार्ड जहाँ पे भी रखा हुआ है मोबाइल के अंदर वहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से मेरा जो आधार कार्ड है वो यहाँ से मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो आपको थोड़ा वेट करना है, ये अपलोड होते ही यहाँ पे नेक्स्ट का जो बटन है वो हाईलाइट हो जाएगा, और इसके बाद आपको नेक्स्ट के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट का बटन हाईलाइट हो चुके हैं, आप सिंपली नेक्स्ट के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट के ऑप्शन में क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको प्रेजेंट एड्रेस फिल करना है। जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वही आपको यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे जैसे ही आप नाम फिल करेंगे, नीचे वाले बॉक्स में क्लिक करेंगे, तो आपका एड्रेस लोकल लैंग्वेज में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे नीचे आपको स्ट्रीट फिल करना है, जो भी आपका मोहल्ला है, स्ट्रीट है, वो यहाँ से आपको फिल कर देना है। और इसके बाद नीचे विलेज फिल करना है, और नीचे क्लिक करेंगे तो आपका विलेज जो है वो आपके लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नीचे आपको पोस्ट ऑफिस फिल करना है। जैसे आप नीचे वाले बॉक्स में क्लिक करेंगे, आपका पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ पे आपके लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे नीचे आपका पिन कोड आपको फिल करना है, और पिन कोड फिल करने के बाद नीचे आपका तहसील को यहाँ पे फिल कर देना है। इसे फिल करेंगे, नीचे वाले बॉक्स में आप क्लिक करेंगे तो ये आपके लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद नीचे आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, और आपका स्टेट ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके बाद नीचे आपको प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट देना है, यानी आपको एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो इसके लिए सिंपली यहाँ पे डॉक्यूमेंट के ऑप्शन में क्लिक करेंगे, इसके बाद सिलेक्ट डॉक्यूमेंट के ऑप्शन में आपको क्लिक करना है, और यहाँ से आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो डॉक्यूमेंट के लिए यहाँ पे देखिए वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस कनेक्शन बिल, या फिर आधार कार्ड, या फिर आपका बैंक पासबुक भी आप दे सकते हैं, इंडियन पासपोर्ट भी दे सकते हैं, और आपका रूम रेंट का जो एग्रीमेंट है वो भी आप दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, आप अपने हिसाब से यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से आधार कार्ड को सिलेक्ट करूंगा, और आधार कार्ड को सिलेक्ट करने के बाद नीचे आधार कार्ड का एक कॉपी आपको अपलोड कर देना है, और इसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। और इसके बाद यहाँ पे कैटेगरी ऑफ डिजेबिलिटी सिलेक्ट करना है, यानी अगर आपको कोई भी फिजिकली डिजेबिलिटी है, जैसे लोकोमोटिव, विजुअल, डीप एंड डाम्प, आधार, जो भी है यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और कितने परसेंटेज है वो परसेंटेज भी यहाँ पे दे सकते हैं। और अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो उस सर्टिफिकेट को यहाँ पे आपको अपलोड करना है। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हैं। और इसके बाद सिंपली नेक्स्ट करेंगे, तो जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके फैमिली में अगर किसी का वोटर लिस्ट में नाम है तो उनका नाम यहाँ पे आपको फिल करना है। इसके बाद उनके साथ क्या रिलेशन है आपको, वो रिलेशन यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे उनका जो एपिक नंबर है, यानी उनका जो वोटर नंबर है, उस वोटर आईडी नंबर यहाँ पे आपको फिल करना है, और नेक्स्ट के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप नेक्स्ट के ऑप्शन में क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन फॉर्म आपको यहाँ पे फिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप अपने विलेज को फिल करना है, यहाँ पे आपका जो स्टेट है स्टेट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है, वो सारे यहाँ पे आपको फिल करना है। ठीक है, इसके बाद नीचे आना है और यहाँ पे प्लेस फिल करना है, यानी जहाँ से भी आप इस एप्लीकेशन को अप्लाई कर रहे हैं सिंपली उस प्लेस का नाम यहाँ पे फिल करना है, और कितने तारीख को फिल कर रहे हैं ये ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्ट रहेगा। ठीक है, और इसके बाद सिंपली नेक्स्ट के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऑप्शन में क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस कैप्चा को आपको इस बॉक्स में फिल करना है, और सिंपली यहाँ पे प्रीव्यू एंड सबमिट के ऑप्शन में क्लिक कर देना है।
तो जैसे आप प्रीव्यू एंड सबमिट के ऑप्शन में क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपने जो फॉर्म फिल किया है उसका पूरा डिटेल्स यहाँ पे आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ पे अगर आपको कुछ भी मिस्टेक लग रहा है तो आप बैक करके इसको टिक कर सकते हैं, और अगर यहाँ पे सब कुछ सही है तो आपको सिंपली सबमिट के ऑप्शन में क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपके सामने एक पॉपअप शो हो जाएगा, क्या आप इसको सबमिट करना चाहते हैं, तो आपको सिंपली यस के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यस के ऑप्शन में क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन से वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, और यहाँ पे आपको एक रेफरेंस नंबर भी मिल जाएगा जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इस रेफरेंस नंबर के थ्रू आप अपने एप्लीकेशंस को ट्रैक कर सकते हैं। और इसके बाद इस एप्लीकेशंस को आपके गांव के जो BLO है उस BLO द्वारा इसको वेरीफाई किया जाएगा, और जैसे ही वेरीफाई कंप्लीट हो जाते हैं, कंप्लीट होने के बाद आपका नाम नए वोटर लिस्ट में ऐड हो जाएगा, यानी नए वोटर लिस्ट में आपका नाम जुड़ जाएगा। तो इस रेफरेंस नंबर के थ्रू आप कैसे चेक करेंगे कि आपने जो फॉर्म सबमिट किए हैं वो अप्रूव हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है, तो इसके लिए आपको दोबारा इस पोर्टल पर आ जाना है, ठीक है। और इस पोर्टल के आने के बाद आपको नीचे की तरफ जाना है, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेंगे ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपने रेफरेंस नंबर को एंटर करेंगे, जो रेफरेंस नंबर आपको मिला है वही रेफरेंस नंबर यहाँ पे आपको एंटर करना है, और इसके बाद नीचे आप अपने स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका स्टेट है यहाँ से आपको स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, और इसके बाद सबमिट के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। यहाँ पे डिटेल शो हो जाएगा, यानी आपका BLO वेरीफाई हुआ है या फिर नहीं हुआ है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपका जो फॉर्म है वो अप्रूव्ड हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आए होंगे, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।